दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ जयपुर एक ऐतिहासिक नगर भी है। हरी भरी अरावली पर्वतमाला से तीनों ओर से घिरे इस शहर को सन 1727 में कछवा महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। उनके नाम पर ही इस नगर का नाम जयपुर पड़ा था। पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर हरी भरी पहाड़ियाँ, अनोखे संग्रहालय, महल, किले और विशेष शैली से बने बाग बगीचे यहाँ की धरोहर है। इसी के चलते हुए इस शहर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर अपनी खूबसूरती और साफ सफाई के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, टेन ट्रेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के खूबसूरत शहर जयपुर के बारे में जानने वाले, तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये भारत का 10वां सबसे बड़ा शहर है। आपको बताना चाहेंगे इस शहर की कुल जनसंख्या 37,61,000 के करीब है। इस शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जयपुर शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश द्वार के लिए 7 दरवाजे, इसके बाद में एक और द्वार भी बना हुआ है जिसे न्यू गेट के नाम से भी पुकारा जाता है। जयपुर शहर करीब 6 भागों में बंटा हुआ है। जयपुर शहर में आपको अधिकतर चौड़ी चौड़ी सड़कें और गुलाबी रंग के घर देखने को मिलेंगे। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है, इस शहर को सूर्य से भी नाप ले तो इस शहर में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस कारण से यह शहर पूर्ण वास्तुकला के आधार पर बसा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। दोस्तों जयपुर अपनी खूबसूरती और पर्यटन के रियाज से विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूमने के लिए अनेक प्रकार की मशहूर जगह भी है, जिसमें से सिटी पैलेस, हवा महल, रामनिवास बाग, जंतर मंतर, सिटी पैलेस म्यूजियम, गुड़िया म्यूजियम, रामबाग पैलेस, चिड़ियाघर और किलों में से आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट एवं जल महल, कलताजी, सामोद अन्य। दोस्तों जयपुर अपने पर्यटन के रियाज से भारत में सबसे अच्छी घूमने की जगहों में से एक माना जाता है। यदि आप घूमने जाते हो तो यहाँ पर आप थक जाओगे, परंतु जयपुर में घूमने की जगह पूरी नहीं हो पाएगी। इसी के चलते हुए दोस्तों एक बार राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर जरूर घूमने जाइए। आपको बताना चाहेंगे जयपुर भारत का एक ऐसा शहर है जो भारत के टूरिस्ट सर्किल गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली और आगरा के साथ आता है। इसके अलावा बताना चाहेंगे जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। जयपुर राजधानी दिल्ली से मात्र 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जयपुर का राज मंदिर अपनी अद्भुत कलाकारी और खूबसूरती के लिए एशिया का सबसे खूबसूरत सिनेमाघरों में से नंबर एक पर आता है। जयपुर ट्रांसपोर्ट के रियाज से भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। यहाँ पर सांगानेर एयरपोर्ट और जयपुर मेट्रो, इसके अलावा सिटी बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा मौजूद है। जयपुर आज के समय में भारत के तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक है। यहाँ पर मुख्य उद्योग वस्त्र प्रिंटिंग, हस्तकला और जयपुरी चूड़िया और ज्वेलरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कई बड़ी कंपनियाँ भी मौजूद है, जिसमें से इन्फोसिस, जेनपैक, महिंद्रा, जेसीबी अन्य। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जयपुर खाने और शॉपिंग के मामले में अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर खाने के स्वाद में कचौरी, मिर्ची पड़ा, चमचम, जयपुरी मिठाइयाँ, मारवाड़ी कुल्फी और दाल बड़े आदि, और शॉपिंग के मामले में छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और चांदपुल का मार्केट। इसके अलावा आज भारत में जयपुर के शॉपिंग मॉल्स अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मॉल्स वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जीटी शॉपिंग सेंटर, पिंक स्क्वायर और हाइपर सिटी आदि। यदि दोस्तों आप जयपुर जाए तो इन शॉपिंग मॉल्स में जरूर जाए। इसी के चलते हुए दोस्तों जयपुर भारत की खूबसूरत सिटी के साथ साथ राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। दोस्तों आपको राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।